हाय फ्रेंड्स, तो क्या सीखा आप लोगों ने? तो गाइस, उम्मीद करता हूँ जहाँ पे भी होंगे कुछ ना कुछ आप लोग सीख रहे होंगे। और आज की वीडियो के अंदर क्या खास बात है गाइस, अनबिलीवेबल चिकन डिनर कैसे गाइस सारे के सारे ब्लू जोन में मर गए गाइस, बड़ी हैरान कन बात है गाइस। 12 किल्स से आगे किल्स नहीं निकल सके क्योंकि वो लोग सारे के सारे जोन में मर गए। और ये रियल प्लेयर्स थे गाइस जो जोन में मरे हैं, और आप लोग देखेंगे अभी साथ साथ हम डिस्कस भी करते जाएंगे इसको क्या सीन होता जा रहा था। तो यहाँ तो मैं लैंड हुआ जैसी, और बहुत ही अड़ो बजे किस्म के किल्स यहाँ पे मेरे निकले। मज़ा आया गाइस यहाँ पे किल करने में इन लोगों को। अभी बहुत ही ढांसू किस्म की एंट्री करेंगे हम लोग भी। ये देखें गाइस, वन मैन वाइटिंग एंट्री। ओए होए होए गाइस, तीन तो फटकार ये बहुत जबरदस्त। इमरान भट्टी, अब जो मेरे साथ जो टीममेट था ना गाइस, वो बेचारा पता नहीं मर गया या ऑफलाइन हो गया। और तीन नंबर एक ऑफलाइन पड़ा हुआ था, एक चार नंबर अभी ये ऊपर आएगा आई थिंक। देखिए इंटरनेट का इशू है इस, और अभी इनका बंदा भागते भागते ऊपर आएगा। तो अभी ये तकरीबन चार किल्स मेरे हो गए थे, लेकिन इनमें से एक डिफरेंट मैंने प्लेयर किल कर दिया था गाइस, और बाकी मतलब ये कि पूरा स्क्वाड अभी फिनिश नहीं हुआ था। अरे कहाँ भाग रहे भाई सज्जाद, चार नंबर ने जगह पकड़ ली थी, ऊपर आ गया था ये। और चार नंबर मेरे साथ खेलता रहा, नया प्लेयर था गाइस ये। और बिल्कुल सन्नाटा कर दिया गाइस, अभी एक फूट स्टेप मुझे आ रहे थे, वो बंदा अभी तक ऊपर आया नहीं है। अच्छा इंटरनेट का इशू, देखें बंदा ऐसे गोली की तरह जा रहा है, देख गायब हो गया वो, देख वहाँ नजर आया मुझे तेरी ऐसी की तेजी, तो हथे ही नहीं चढ़ रहा था गाइस। अच्छा यहाँ आके रुक गया उल्लू का पट्टा गोली के सामने ही। अच्छा ये भी मैंने नॉक किया हुआ, इसका टीममेट जो एयरप्लेन वाला था गाइस, यहाँ मुझे फायरिंग की आवाज़ आ रही थी, बंदा था गाइस यहाँ पर। अब ये देखें जान का बच्चा सेंटर में खड़ा होके, अजीब सा नाम इसने रखा हुआ था, गैस्ट्रो किलर क्या नाम रखा हुआ था एयरप्लेन वाले का। यहाँ तो गाइस 7 किल्स के साथ, अब ये बॉट था गाइस आई थिंक, तो मैंने डायरेक्ट ही गाइस हमला कर दिया इसके ऊपर। अच्छा एक बंदा सामने गाइस, ये रियल प्लेयर था ये, इसको मैंने मोली मारी, मोली इसको लगी गाइस और ये भागा गाइस। और इसके ऊपर जब मैंने रश देना मुनासिब समझा गाइस, यहाँ पर अच्छे खासे किल थे, बॉट भी थे साथ में, तो मैंने सोचा कि बढ़ जा भाई, और बड़ा फ़ायदा मुझे हुआ गाइस इसको। ये भी मैंने पकड़ लिया, ये रॉयल प्लेयर था अहमद अंसारी, और आगे भी कुछ थे गाइस यहाँ पर जो ना, यहाँ पर और मैं उतरा, और यहाँ पर भी ये रेल प्लान बंदा था, ये बंदा भाग गया गाइस। ये देखें वहाँ, इस मैंने फटाफट किल पकड़ना मुनासिब समझा, वो एक नॉक पड़ा हुआ है ये देखें, और वो बंदा मुझे इतना अच्छा मार नहीं सकता था। और देखें ये अब यहाँ से गायब हो गया, इसको मैंने बहुत ढूंढा लेकिन ये नहीं मिला मुझे यहाँ पर, इसको मैंने जाकर वहाँ पर ढूंढा लेकिन गाइस यहाँ पर वो मुझे नहीं मिला। और 11 किल्स थे गाइस यहाँ पे करके, फिर एक और बॉट मज़ीद मैंने यहाँ पे किल किया, और
फिर उसके बाद ये अपना जो ना, इसको खोता नहीं बोल सकते गाइज, ये माखोर आप लोगों को मैं फिर याद दहानी करता रहूँ, उसको नहीं बोलने गए ये शाही, वैसे इसका नाम तो रखना चाहिए था शाही खोता, लेकिन गाइज अच्छा यहाँ पर देखें ये एक बंदा था भी, इसको मैंने रिकॉल बेस्ट रिकॉल की करके, रिकॉल मिस नहीं होनी चाहिए। तो ये तो मैंने इसको नॉक किया और मुझे नहीं मालूम था कि इसके तीनों बंदे, ये चीखे मारेगा बेचारा और तीनों बंदे ऊपर की तरफ भागते हुए आएंगे। अब और मैं कवर से निकल गया, ये देखें ये मैं कवर से निकल गया और तीन सामने, अब मैंने पकड़ा कवर लेकिन तीनों का एम मेरे पे था। और इमरान भट्टी जिसको मैं पहले एक दफ़ा कर चुका हूँ, और ये मेरे साथ जो ये प्लेयर था ना गाइस 4 नंबर नया था, अब ये मुझे बुला रहा है, हद हो गई। मैंने बोला भाई बंदों का एम मेरे पे ही है, उसकी भी चीख निकल गई। तीनों जब इसको धोएंगे ना, आप मुझे बताएं ये अब जो जो मैंने वीडियो के शुरू में डिस्कस की थी बात के, ये रियल प्लेयर हैं गाइस, ठीक है ये वहाँ पर अभी लाइव हैं अपना नीचे मतलब अपार्टमेंट की तरफ, और हमने यहाँ पर उतरे इवेंट पर दोबारा स्टेबलर के ऊपर, और हमने सोचा कि यार जब तक थोड़े लूट करते हैं रैंक भी स्कोर भी अच्छा बन जाएगा, 12 किल्स तो हो चुके हैं, थोड़ा चिकन डिनर ले लेंगे तो अच्छा स्कोर मिल जाएगा एंड में, और थोड़े से किल मजीद कर लेंगे तकरीबन 8-9-10 किल तो हो सकते थे, 40 किल्स अभी बाकी हैं ये देख लें आप, 40 किल्स 40 बंदे अभी रिमेनिंग है। अब देखें बंदे कितने, 6 रह गए, इतनी जल्दी बंदे डाउन हुए गाइस। यहाँ पे अमेजिंग बात यही है कि सारे के सारे एट ए टाइम ही मर गए, और जोन में कोई भी बंदा ऊपर नहीं चढ़ सका, रियल बंदा गाइस ऊपर नहीं आ सका, और बाकी बचे भी ये बॉट, 2 हम लोग हैं, 4 बॉट, एक बॉट मारा मैंने, दूसरा खोया हुआ बॉट मारा, अब ये 2 बॉट मार दिए मैंने, बाकी बचे 2 प्लेयर्स गाइस। अब मेरे को ऐसा लग रहा था कि 2 प्लेयर्स रॉयल होंगे, लेकिन वो 2 बंदे भी बॉट निकले गाइस, और हैरान कन बात यही है कि बाकी कहाँ गए, रियल प्लेयर कोई ऊपर नहीं आ सका, जोन से बाहर ही नहीं निकल सका, बहुत ही हैरान कन सीन था गाइस। जिन्होंने हमें नॉक किया था, किल किया था, वो तो रियल प्लेयर थे ना, वो भी ऊपर नहीं आ सके। अभी काफ़ी देर इनका वेट किया और एक बंदा रह गया खाली, अब एक बंदे का इंतज़ार था कि यार रॉयल प्लेयर चिकन डिनर तो लेना लाजमी है, किल्स तो हमारे निकल नहीं पाए क्योंकि वो लोग सब जोन में ही मर गए। अब हम जो ना सर्कल के अंदर थे गाइस, और जोन बहुत ही छोटा होता जा रहा था, तफाक की बात थी गाइस यहाँ पर स्टेबलर के ऊपर ही जोन बन गया था, मेरे पास ही रहो, इधर मेरे पास ही रहो, अगर आएगा तो पकड़ लेंगे। अभी मेरे जो टीममेट तक और आया हुआ न्यू प्लेयर था गाइस, इसका नाम भी सही से नहीं लिखा हुआ इसने, ये बॉट आया, पक्का बॉट है गाइस। अब मेरा टीममेट भी आ जाएगा यहाँ पर, तो आपने बताना है कमेंट करके कि यार ये क्या सीन हुआ है, वो रियल प्लेयर थे 110% जिन्होंने हमें किल किया था, और वो जोन के अंदर ही एंट्री नहीं कर सके, तो अमेजिंग सा ये चिकन डिनर हो गया है। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये नई चीज़ देखने को मिली कि ये फ्री का चिकन डिनर हमें मिल गया। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट गेम प्ले के अंदर, टेक केयर एंड गुड बाय।